साल 1926 की ये बात है। महाराष्ट्र में एक केस बहुत चर्चित हुआ। पिछड़ों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले दो एक्टिविस्ट्स ने किताब लिखी। किताब में ब्राह्मणवाद की आलोचना थी और उससे भी बढ़कर बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी हुआ था। किताब के ऊपर बड़ा हंगामा हुआ। हंगामा इतना बड़ा कि मामला अदालत में भी पहुंचा। केस की पैरवी करने वाले वकील बड़े नाम बड़ी फीस वाले थे, जबकि एक्टिविस्ट के पास ऐसा कोई था नहीं। ऐसे में उनकी तरफ से इस केस को लड़ने आए वो शख्स जो आगे चलकर भारत का संविधान बनाने वाला था, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। क्या था ये केस, एक वकील के तौर पर डॉक्टर आम्बेडकर का जीवन कैसा था, आज जानेंगे इसी बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। छब्बीस नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी रोज संविधान का काम हुआ था पूरा। इस साल संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर आम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण हुआ। अब डॉक्टर आम्बेडकर की बहुत सी मूर्तियां आपने अब तक देख ली होंगी। हाथ में संविधान होता है उनके, संविधान के प्रति सूचक है इस बात की कि डॉक्टर आम्बेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। डॉक्टर आम्बेडकर के इस रोल की चर्चा बहुत होती है। जब भी उनका नाम लिया जाता है संविधान निर्माता का टाइटल नथी रहता है। लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर की मूर्ति में एक और चीज है जो उनकी पहचान का अभिन्न अंग है, वो कोट जो डॉक्टर आम्बेडकर ने पहना होता है, वकीलों वाला कोट। भारत के संविधान के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत के संविधान की भाषा ऐसी ही है कि साफ पता चलता है कि वकीलों ने इसे लिखा था, जो कि सही भी बात थी क्योंकि संविधान सभा के कई सदस्य बैरिस्टर्स थे। आजादी के आंदोलन में शामिल कई नेता बड़े बड़े वकील थे, बड़े महंगे वकील जिनको उस जमाने में कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था अगर धन्ना सेठ ना हो तो, लेकिन वो प्रो बोनो केसेस लड़ते थे क्रांतिकारियों के। मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादाभाई नौरोजी, चितरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू और सैयद हसन इमाम, ये सब बड़े नामचीन वकील थे। वकालत पढ़ने के लिए तब लंदन जाना पड़ता था, पैसा लगता था खूब। मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने आज़ादी के आंदोलन के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन ये भी सच है कि ये सब संपन्न परिवारों से आते थे। मजबूत परिवार था इनका, पैसा दे सकता था और इसलिए ये लोग बाहर जा भी सकते थे। मसलन महात्मा गांधी भी बैरिस्टर थे, मगर उनकी लॉ की पढ़ाई का खर्च उनके पिता ने उठाया था जो खुद राजकोट के दीवान थे, नामी व्यक्ति थे वो भी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर आम्बेडकर थे जिनके लिए पैसे से ज़्यादा बड़ी दिक्कत थी जातिवाद की दीवार। ऐसे में आम्बेडकर के वकील बनने की जो यात्रा है उसे जानना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और रोचक है। 1912 तक डॉक्टर आम्बेडकर इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल कर चुके थे। 1913 में उन्हें स्कॉलरशिप मिली। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप दी। हर महीने 11.5 स्टर्लिंग यानी आज के हिसाब से लगभग 100 रुपये प्रतिमाह उनको मिलते थे। ये व्यवस्था 3 सालों के लिए थी। आम्बेडकर अमेरिका गए, न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहाँ से उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री ली और इसके बाद मास्टर्स में एक और थीसिस लिखी उन्होंने, और फिर 1916 में बार कोर्स में अपना नामांकन करवाया। बार कोर्स यानी वकालत की पढ़ाई। डॉक्टर आम्बेडकर ये कोर्स पूरा कर पाते इससे पहले ही उनकी स्कॉलरशिप खत्म हो गई, यानी जो वजीफा मिल रहा था गया, जिस कारण जून 1917 में उन्हें भारत वापस आना पड़ा। आम्बेडकर के पास तब भारत आने के पैसे भी नहीं थे कि वापस कैसे जाएंगे। पैसा कैसे इकट्ठा हुआ इसका भी एक दिलचस्प किस्सा है, जिसका जिक्र धनंजय कीर ने अपनी किताब डॉक्टर आम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में किया है। वह यूं कि उस समय आने जाने के लिए सिर्फ पानी का जहाज इस्तेमाल होता था। आम्बेडकर जहाज से अपने कुछ किताबें भिजवा रहे थे, लेकिन उस जहाज पर एक जर्मन सबमरीन ने हमला कर दिया। हमले में उनका सामान बर्बाद हुआ, जाहिर है किताबें भी बर्बाद हो चुकी थी। किताबें सप्लाई करने की जिम्मेदारी थॉमस कुक एंड कंपनी की थी। अब इस कंपनी ने डॉक्टर आम्बेडकर को उनके सामान का हर जाना दिया कि आपका जो सामान खराब हो गया उसका ये आप पैसा ले लीजिए, और उन पैसों से आम्बेडकर भारत वापस आ पाए। भारत लौटने के बाद आम्बेडकर ने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उनका सपना था कि वकालत पूरी की जाए जिसके लिए इतनी मेहनत की है। इसलिए पैसे बचाकर वो 1923 में फिर इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में उन्होंने इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट पूरी की, साथ ही लॉ की डिग्री भी हासिल कर ली। वकालत पूरी कर जब वो वापस लौटे उसकी पढ़ाई, उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज बनने का ऑफर मिला। ऑफर में ये भी शामिल था कि इसके 3 साल बाद वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बना दिए जाएंगे। आम्बेडकर ने इससे इनकार किया, उनका मानना था कि इससे उनकी व्यक्तिगत आज़ादी कम हो जाएगी। एक और ऑफर था, हैदराबाद के निज़ाम की तरफ से ऑफर आया जो उन्हें चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे।
अम्बेडकर ने ये ऑफर भी ठुकराया और वकालत को तरजीह दी। लेखक रोहित डे ने लॉयरिंग एज पॉलिटिक्स नाम के एक निबंध में अम्बेडकर की वकालत के बारे में लिखा है। डे लिखते हैं, 1920 के दशक में अम्बेडकर के पास कम तादाद में केस होते थे, उनकी फीस भी वो बहुत कम लेते थे। स्थिति कुछ यूं थी कि घर चलाने के लिए उन्होंने साथ साथ लॉ कॉलेज में पढ़ाना भी शुरू किया। डे ने तब अखबार में छपे एक आर्टिकल का जिक्र किया है अपने निबंध में। उसमें दर्ज है कि जिस दिन मोहम्मद अली जिन्ना 257,000 लेकर लड़ रहे थे, सोचिए मोहम्मद अली जिन्ना उस जमाने में 257,000 की फीस चार्ज कर रहे थे, उसी दिन अम्बेडकर ने एक मुस्लिम रिटायर्ड स्कूल टीचर का केस 24 रुपए में लड़ा था। अम्बेडकर ने सबसे ज्यादा केस मजदूरों के लड़े, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो सिर्फ गरीबों के ही केस लड़ते थे। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लड़े गए केसेस में एक फेमस केस है कपूरथला के महाराज का भी। कपूरथला के महाराज ने जमींदारी खत्म करने और भूमि सुधार कानूनों के विरुद्ध केस दर्ज कर दिया। तब अम्बेडकर इस केस में कपूरथला के महाराज की ओर से अदालत में पेश हुए। एक और केस था महर्षि कर्वे के बेटे रघुनाथ धोंडे कर्वे का। रघुनाथ धोंडे फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल की मुहिम चलाते थे। वो एक पत्रिका निकालते थे समाज स्वास्थ्य। इस मैगजीन में बर्थ कंट्रोल के समर्थन में लेख छपा करते थे। ऐसे में समाज के ठेकेदारों ने पत्रिका पर केस कर दिया। रघुनाथ पर अश्लीलता के आरोप लगा दिए गए और इस मामले में अम्बेडकर ने रघुनाथ की तरफ से पैरवी की। केस और भी है, लेकिन आइए आपको बताते हैं उस केस के बारे में जिसका जिक्र हमने एकदम शुरुआत में किया। इस केस की शुरुआत हुई साल 1925 में। कांग्रेस के एक नेता होते थे केशव राव जेधे। जेधे पुणे नगर पालिका से पार्षद चुने गए। पार्षद बनने के बाद जेधे ने ज्योतिबा फुले की एक मूर्ति स्थापित करने का प्रस्ताव दिया, एक मूर्ति लगाएंगे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक की पार्टी इस प्रस्ताव के विरोध में थी। शब्दों के आदान प्रदान में बात गालियों तक चली गई। इस गाली गलौज से गुस्सा होकर केशव राव जेधे और दिनकर राव जावलकर ने तय किया कि वो एक किताब लिखेंगे। प्रतिष्ठित मराठी लेखक और इतिहासकार डॉक्टर सदानंद मोरे बीबीसी से बातचीत में बताते हैं, तिलक की पार्टी ने फुले की मूर्ति की स्थापना के विरोध में बहुत से भाषण दिए। इन भाषणों की जो भाषा थी वो अपमानजनक थी। इससे आक्रोशित होकर केशवराव जेधे और दिनकर राव जावड़कर ने मिलकर एक किताब लिखी। इस किताब का नाम था देश के दुश्मन, हिंदी में हुआ देश के दुश्मन। क्या था इस किताब में? किताब मूलतः ब्राह्मणवाद की आलोचना थी। वसंत मून ने अपनी किताब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर में लिखा है। किताब में उन्होंने केशवराव जेधे और दिनकर राव ने लिखा कि ब्राह्मण समाज ने भारत का सत्यानाश किया है, ये लाइन थी। ये बात अपने आप में लोगों का पारा गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ज़्यादा हंगामा इस बात से हुआ कि किताब में महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक और उनके साथी विष्णु शास्त्री चिपलूणकर को बुरा भला कह दिया गया था। उनके लिए देश के दुश्मन जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। लाजमी था कि मामला तूल पकड़ता पकड़ा भी। सरकार ने तुरंत किताब को बैन किया। मामला लेकिन रुका नहीं। विष्णु शास्त्री चिपलूणकर के चचेरे भाई कृष्णा राव चिपलूणकर ने किताब के लेखकों और प्रकाशकों को कोर्ट में घसीट लिया। इस बीच तिलक और विष्णु शास्त्री चिपलूणकर दोनों ही इस दुनिया से जा चुके थे। इसके बावजूद कोर्ट में केस चलता रहा। जेधे और जावलकर समेत दो लोगों को जेल की सजा हुई। इन लोगों ने इस फैसले के खिलाफ अदालत में अपील की, लेकिन इस बार किसी भी वकील ने केस लड़ने से मना कर दिया कि इतने बड़े लोगों से पंगा लेगा कौन। दरअसल बात यह थी कि कृष्ण राव चिपलूणकर की तरफ से केस लड़ने वाले वकील का नाम था लक्ष्मण बलवंत भोपतकर। भोपतकर एक बड़े नामी वकील थे। उनके सामने खड़े होने का हौसला कम लोगों में था। ऐसे में एक आदमी ने हिम्मत की, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। वो कोर्ट में अभियुक्तों की तरफ से पेश हुए। उन्होंने अपनी दलील में दो तर्क दिए। पहला, जिन दो लोगों का नाम किताब में है वो अब जिंदा नहीं है। दूसरा, जिस व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया है वो चिपलूणकर या तिलक का निकट संबंधी नहीं है, इसलिए उनके पास इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाने का अधिकार नहीं है। अम्बेडकर यहीं नहीं रुके, आगे वो कहते हैं, चूंकि ये किताब किसी खास ब्राह्मण के नहीं बल्कि पूरे समुदाय के खिलाफ लिखी गई है और चूंकि ये वकील पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इसलिए इस मुकदमे का कोई तुक नहीं बन रहा है कोर्ट ऑफ लॉ में। तकनीकी तर्क दे रहे थे वो। अम्बेडकर की इन दलीलों के बाद अदालत का फैसला आया। अदालत ने माना कि किताब में लिखा गलत व्यवहार की श्रेणी में बिल्कुल आता है, लेकिन वो अवैध नहीं है, इलीगल नहीं है। अम्बेडकर ये केस जीत गए। इस केस के बाद भी समय समय पर अम्बेडकर ने वकील का कोट पहना, लेकिन वो वकालत के करियर को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाए अपने एक्टिविज्म के चलते। जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ उनको बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी थी जो उन्होंने लड़ी। अम्बेडकर ने अपना ज़्यादा वक्त उस लड़ाई को दिया। फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत कम वक्त में ही उन्होंने कानून और वकालत की दुनिया में अपनी एक छाप तो छोड़ी।
मानवाधिकार के क्षेत्र में लड़ने वाले एक प्रमुख वकील के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा, एक ऐसा वकील जो प्रेम, इंसानियत और इंसाफ से प्रेरित था। आज के लिए बस इतना ही। तारिक इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी नावेद ने और जतिन ने हमारे साथ इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया। अब देखते रहिए दी ललन टॉक।